भारत के उत्तर में हिमालय की तलहटी में तीन देशों की सीमा एक दूसरे को छूती है। इसी सीमांती संगम वाले प्रदेश में बसते हैं शौका जनजाति के लोग, जो अपनी रंग बिरंगी वेशभूषा और अनोखे रीति रिवाजों के कारण अलग से पहचाने जाते हैं। जिस प्रदेश में ये रहते हैं उसे औपनिवेशिक काल स्वामी विहीन भूमि अर्थात नो मैन्स लैंड के नाम से पुकारा जाता था। यह नाम बेहद भ्रामक है और आजाद भारत में इसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। सच्चाई तो ये है कि घुमंतू शौका एक ऐसी मिलीजुली संस्कृति के वारिस हैं, जिसमें हिमालय के आर पार रहने वालों की जिंदगी की बहुमूल्य झलकियां देखने को मिलती हैं। भारतीय, नेपाली और तिब्बती तीनों ही जीवन शैलियों को अनायास शौका लोगों ने अपनाया है और अपने आदिवासी योगदान से इसे समृद्ध भी किया है। शौका जनजाति मुख्यतः उत्तरांचल राज्य के पिथौरागढ़ जिले की निवासी है। इसका घनत्व धारचुला और मुंशारी कस्बों में सबसे ज्यादा है। जौलजीबी का छोटा सा कस्बा धौली और काली के संगम के पास बसा है और शौका जनजाति के प्रसिद्ध मेले का आयोजन स्थल है। शौका जनजाति खानाबदोश पशुपालक होने के साथ साथ पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अभिन्न अंग रही है। भारत और तिब्बत के बीच होने वाले व्यापार को सदियों से इन्हीं जाबाज अन्वेषकों हिमालयी पथ प्रदर्शकों ने जीवित रखा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि शौका जिन ऊनी वस्तुओं को जौलजीबी और इस जैसे दूसरे मेलों तक लाते थे उनका निर्माण तिब्बती भेड़ों की ऊन से होता था। घुमंतू शौका पुरुष जब तिब्बत की कठिन यात्रा पर निकल पड़ते तो उनके परिवार की महिलाएं अपना समय ऊन काटती, कंबल कालीन और पंखियां दुशाले बुनती बिताती थी। एक तरह से साल भर के कामकाज का लक्ष्य हर शौका की मंजिल जौलजीबी का मेला ही हुआ करता था। आदिवासी समाज का मूल संस्कार कबाइली होता है दुनिया भर में, और जब पूरे के पूरे कुटुंब कबीले एक जगह जुटते हैं तो जाने कितनी सारी पीढ़ियों का संगम
देखने को मिलता है। पीढ़ियां पुरानी यादें जिंदा रखती हैं सामूहिक नाच गान और खान पान के जरिए। यही सब जौलजीबी के मेले की जान हुआ करते थे। यह मेला जो है 1872 से शुरू हुआ। पहले इसको जो है ये तो एक धार्मिक तीर्थ स्थल हुआ, तो यहाँ पर स्नान के लिए जो है मकर संक्रांति को जो है एक लोग बाग जो है ये दूर दराज के नेपाल के और हमारे यहाँ भारत के लोग इस संगम पर या तो उसके लिए नहाने के लिए आते थे। तो यहाँ का जो रियासत का राजा जो है पाल जी जो है कोर्ट में रहते थे, तो उन्होंने जो है सबसे पहले शुरुआत किया इस मेले का। उन्होंने जो है यहाँ लोगों को ये लालच दिया कि आप लोग जो है अपने जो भी बिक्री के सामान है आप लेके जो है यहाँ मेले यहाँ संगम में स्नान के लिए भी आइए, और अपने सामानों को उस समय विनिमय होता था, वस्तुओं का विनिमय आदान प्रदान बॉर्डरिंग सिस्टम होता था। तो उस समय जो अगर सामान जो है नहीं हुआ आपका जो है बदला गया तो वो सामान सब मैं खरीद लूँगा, ये उन्होंने उस समय राजा ने जो है कहा। तो उसी की उससे जो है यह मेला जो है शुरू हुआ, इसका शुभारम्भ हुआ। हमारे पूर्वज जो थे तो 1890-95 में आए हैं यहाँ। अब उससे पहले भी लोग आए हुए थे, मगर मैं अपने घराने की बात बता रहा हूँ। तो उस वक्त से फिर मेरी पैदाइश जो है सन 1929 में हुई, तो तब से अब लगा लीजिए 10-12 साल के बाद हमें होश आई। तो उस वक्त से हम मेला देखते हुए चले आए, और उस वक्त तक ये तीनों मुल्कों का मेला होता था, और ऊपर से तिब्बती लोग भी आते थे और इधर धर्मा वाले भी आते थे, इलाका नेपाल के ये डोटी के लोग आते थे, नेपाली लोग। उस जमाने में पश्मीना जो है ये जोहार से आता था, तो उसकी कीमत करीबन 2000-1500 रुपया उस वक़्त थी, वो कीमती चीज़ थी यहाँ की। और वैसे चुटका वगैरह आपने तो देखा नहीं होगा, चुटका बनता था यहाँ, पंखी बनती थी, वैसे चादर ऊनी चादर उसको पंखी कहते थे यहाँ। अफगानिस्तान तक से आदमी आते थे इसको खरीदने के लिए। हाँ, कस्तूरी हुई, कोकर की खाल हुई, और आपके शेर की खाल हुई, एक नावर एक जानवर होता है ऊपर उसकी खाल है, ये सब भी यहाँ से दिल्ली जाती थी बिकती, वहाँ जाके बिकती थी। अब वो आना बंद हो गया, अब उसके ऊपर बैन लग गया सरकार की तरफ से, अब नहीं जाती। तिब्बत के साथ व्यापार से हासिल सामग्री हो या कुटीर उद्योगों में निर्मित सामग्री, इसकी नुमाइश और बिक्री के लिए सबसे अच्छा अवसर जौलजीबी में ही मिलता था, जहां खरीददार देश के दूर दराज के हिस्सों से खुद पहुंचते थे और शौकाओं को अपना घर छोड़ना नहीं पड़ता था। जब घुमंतु शौका ऋतु चक्र के अनुसार तिब्बती व्यापार यात्रा या पशुपालन के लिए निकलते थे तो उनका पूरा परिवार परिव्राजक बन जाता था। इस रस्मी यात्रा को पुंचा नाम से जाना जाता था। जौलजीबी के मेले में दूर के गांवों से पहुंचने वाले शौका परिवारों की सजधज एक छोटे कूंचे जैसी ही होती थी। आज भी पुरानी पीढ़ी के कुछ शौका मोटर सड़क बन जाने के बाद भी ये यात्रा याकों और खच्चरों पर सवार होकर ही करना पसंद करते हैं, पर कुल मिलाकर यह कोशिश प्रतीकात्मक ही बची है, चलन घटता ही जा रहा है। जब जोहार और दारमा पट्टियों में बसे अलग अलग गांवों से शौका परिवार जौलजीबी पहुंचते तो एक अनूठी फिजा तैयार हो जाती।
उत्तरांचल के तीन प्रमुख मेलों में इसकी गिनती होती है। बागेश्वर में जुटने वाला उतरैनी का मेला, रामगंगा किनारे थल का मेला और जौलजीबी। इन तीनों मेलों की रौनक शौका की जिंदा दिली और उनकी हस्तकला कुटीर उद्योग की समृद्ध परंपरा और अद्भुत जीवट वाली उद्यमता पर ही टिकी है। इसमें थल का मेला बहुत वर्ष पहले ही शहीन हो चुका है, उत्तरायणी भी काफी कुछ फीकी पड़ चुकी है। इसीलिए जनजातीय मेलों की इस त्रिवेणी में जौलजीवी का महत्व एक दुर्लभ प्रजाति की तरह कई गुना बढ़ गया है। कारपेट जो है ज्यादा अमूमन सब जो इजली जो है हमारे यहाँ की महिलाएं करती है। यहाँ करीब 5,000 जो हमारे जो शौका परिवार हैं वो सारे इसी पर आधारित हैं, क्योंकि ये इनके घरों में छोटे छोटे खड्डी रख के पूरा जो है इसी बेस पर जो है हैंडीक्राफ्ट के जो है सामान कच्चा माल ये जो है ले आते हैं। रंग रसायन यहाँ अपना निजी संसाधनों से ये करवाते हैं। इसको इसके आधुनिक डिज़ाइन में भी अब करने लग गए हैं जगह जगह प्रशिक्षण। ये वैसे परंपरागत ये पूरा जो है सारा वो कर ही लेते हैं, लेकिन जो है इसमें पूरा फिर भी जो एक पैटर्नाइज यहाँ के ही ये विशुद्धता को लेकर जो है ये चल रहे हैं। लेकिन जो इसमें जो है अब ऐसा है कि इसकी फिनिशिंग डाइंग कलर कॉम्बिनेशन या डिज़ाइन या इसकी मार्केटिंग कम हो पाता है इसका, क्योंकि एक म्यूजियम हो मतलब जो होना चाहिए जिससे कि इसका इनका सेल प्रमोट हो सके। इस साल बिक्री बढ़ने वाले आ ही नहीं रहे, खरीदने वाले हर साल आते हैं। हाँ अभी तक तो ये बिका ही नहीं है। बुनने को तो बुनते हैं, उतना बिक्री नहीं होता, दाम भी नहीं होता, कीमत भी नहीं देते, बिक्री भी नहीं होता उतना। कर रखने के लिए कब तक बुनूं फिर? घुमंतू शौका एक ऐसी मिलीजुली संस्कृति के वारिस हैं जिसमें हिमालय के आर पार रहने वालों की जिंदगी की बहुमूल्य झलकियां देखने को मिलती हैं। भारतीय, नेपाली और तिब्बती तीनों ही जीवन शैलियों को अनायास शौका लोगों ने अपनाया है और अपने आदिवासी योगदान से इसे समृद्ध भी किया है। आजकल तो आप नीचे से आने लगे, आदमी प्योर चीज नहीं लेता, वो जो देखने में अच्छा दिखा देता सस्ता मिलता वही चीज चल रहा है। भले देखने में नरम है, अच्छा है सब कुछ, गरीबों को खरीदने के लिए पूर्ति के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये जो है हमारे यहाँ की ये चीज़ें है कुछ कीमती है, क्योंकि टाइम लगता है इसमें, इसलिए जो है ये कुछ वो महंगा है। देखने में फिनिशिंग तो नीचे का बढ़िया होता और माल प्योर हमारे यहाँ का होता और टिकाऊ में हमारा 50 साल टिकता है, उनका 2 साल टिकता है, इतना अंतर है। खरीदो ₹10, खरीदो ₹10, हर माले ₹10। आइए 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 ₹10 हर माले। दार्जिला के है तिब्बत व्यापार जाता है पिंजी के रास्ते से, ये सब चाइनीज माल है। हम यहाँ से जो सामान लेके जाते हैं सामान के बदले सामान एक्सचेंज करके ले आते हैं। करेंसी साधन एक्सचेंज करने का तो हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जो ये चाइना का माल है बहुत दूर से लेके आना पड़ता है और काफ़ी बर्फीले इलाकों से गुजरते हुए और बॉर्डर को क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँचाना पड़ता है। फिर भी उसके बावजूद लोग कहते हैं काफ़ी महंगा हो गया, लेकिन इस बार दुकानदारी में थोड़ा कमी है क्योंकि माओवादी की वजह से हमारे नेपाल के जो ग्राहक होते हैं यहाँ आ नहीं पाते हैं, क्योंकि मेन ग्राहक वही होते हैं, उनकी वजह से थोड़ा बिजनेस में थोड़ा कमी है। बैठे 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 गर्म गर्म सूप दो हाफ, अच्छा दो हाफ, दो हाफ काट लो, दो हाफ। बहुत खुशी होती है इसमें हम लोगों को कि मेला आ रहा है, बहुत खुशी होती है सारे लोगों को। मेहमान बहुत आते हैं, लोग यहाँ पर मतलब खरीदारी करने के लिए भी आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं,
दूर दूर से लोग आते हैं ना, और दुकानें बहुत लगती हैं यहाँ पर। सूट लाते हैं, गर्म कपड़ा लाते हैं, कैच मिलोन का लुधियाने से आर्टिकल लाते हैं, विरोज पिटकोट का कपड़ा, पैंट शर्ट का कपड़ा लाते हैं। ये लालच तो रहता ही है, बिके ना बिके वो तो दूसरी बात है ही है, आर पार का चस्का पड़ा हुआ है मेले का। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है दुकानदारी ज़्यादा लगती है। हो जाएगी जी, हो जाएगी इंशाल्लाह, जो है हम लोग जो है यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे। अभी जो हम सबसे पहले यहाँ हमारा आए इतवार की शाम को आए, तो हमें लगा कि यहाँ हम कहाँ आ गए, अजीब ही जगह लगी हमें। हमें थोड़ी खुशी अब आने की हुई है कि यहाँ पर जो है अब लोग वो चहल पहल है और दुकानदारी का भावना है, आज से जो है दुकानदारी चालू हो गई है। जब से हम इस मेले को देखते चले आ रहे हैं तब से इस मेले में बहुत बड़ा अंतर आया है। ये समझें कि जब से मूलभूत सुविधाएं बढ़ी हैं, क्योंकि हमारे बचपन में ये मेला एक महीने का हुआ करता था, आज हम देख रहे हैं कि ये 4-6 दिन में या एक हफ्ते में सिमट जाता है। और आम आदमी की सुविधाएं तो बढ़ी हैं, जैसे लोग बहुत दूर दूर से आया करते थे, जब मेले में आ जाते थे तो आने के बाद 2-3 दिन रेस्ट किया करते थे, उनको जाने के लिए सुविधाएं नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, वो आते थे तो 3-4 दिन कोई भी आदमी आकर के रुकता था। आज स्थिति यह है कि सुबह आता है और 2 घंटा मेले में घूम करके चला जाता है। अलावा उसके मेले की स्थिति ऐसी है कि जब उस जमाने में सुविधाएं कम थी तब यहाँ पे मनोरंजन के साधन भी आया करते थे, आज हम देखते हैं कि कोई भी मनोरंजन का साधन नहीं है जिससे कि लोग आएं, और आकर्षण की जिसकी वजह से लोग आना चाहें आ नहीं पाते हैं। उसके अलावा सुविधाएं जो होनी चाहिए, आम सुविधाएं जो हर आदमी को चाहिए ना, जैसे जन सुविधाएं जो हैं वो किसी प्रकार की नहीं है, महिलाएं भी आने में हिचकती हैं, तो बाथरूम जाने की व्यवस्था नहीं है, और उसके अलावा सफाई की व्यवस्था नहीं है, गंदगी इतनी ज़्यादा है कि सही लोग आने में घबराते हैं। और दूसरी उसके अलावा यह है कि जब से नेपाल में माओवाद हुआ है तो नेपाली लोग जो सिर्फ इस मेले पे निर्भर, ये मेला नहीं है नेपालियों पे भी निर्भर था, जो हम देखते थे वो भी आज आने में कतराते हैं, नहीं आते हैं। अच्छा, उसके अलावा व्यापार जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा सिमट गया है, पहले बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था, आज ऐसा है कि व्यापार में लोगों को जो है उनका उनके माल की बिक्री इतनी कम होने लगी क्योंकि लोग कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से मेला जो है काफ़ी नीचे 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 जा रहा है, और इस साल तो पिछले सालों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा गर्त में चला गया मेला। सवारी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बोझा पकड़ने के लिए हैं, चटाने भी जाए तो हम लोगों को अच्छे अच्छे पोजीशन में चलते हैं, कहीं कोई सामान दूर दूर ले जाते हैं तो अच्छे पोजीशन में हम लोगों को अच्छा होता, अच्छे तरह से वहाँ पहुँच जाते हैं अड्डे में, इसकी वजह से हम लोग यहाँ आते हैं। जौल जीबी के मेले की एक और खासियत थी नेपाल से लाए जाने वाले नाते कद के गठीले बदन वाले जुंगली घोड़ों की बिक्री। इन घोड़ों को नेपाली व्यापारी तेज रफ्तार से बहने वाली काली नदी को पार कराकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान जोखिम में डालकर लाते थे, और जब घोड़ों का झुंड नदी तैराकर लाया जा रहा होता था तो उस नजारे को देखने के लिए नदी के इस पार एक बड़ी भीड़ जुटती थी। आज इसकी भी सिर्फ यादें बची हैं और वह भी धुंधलाती जा रही हैं। जौल जीबी के मेले के पारंपरिक महत्व को समझते हुए सरकार ने इसके आयोजन को अपने हाथ में ले लिया है।
विडंबना ये है कि प्रशासन स्वयं प्रोत्साहन और सरकारी आयोजन के बीच का फर्क समझने में असमर्थ रहा है। सरकारी बंदोबस्त, लाल फीताशाही और नौकरशाही के शिकंजे में जनता की स्वाभाविक ऊर्जा और उत्साह को जकड़कर मेले को फीका भर करने में सफल हुआ है। फौजी बैंड दिलकश तराने सुनाता घूमता फिरता है, मगर लोग इस संगीत से जुड़ नहीं पाते। उन्हें यह नकली दिखावटी लगता है, जिसमें उनका अपना कुछ भी नहीं और न ही जिसके साथ वो अनौपचारिक ढंग से खुद ब खुद जुड़ सकते हैं। जिस जगह कभी खेमे गाड़े जाते थे, रात भर अलाव जलते थे और वीर गाथाओं का गान होता था, पुरखों की याद अमर रखने के लिए सामूहिक खानपान होता था, कबाइली रिश्तों को पुष्ट करने के लिए भूल चूक माफ कर बैर भाव भुलाने के लिए, वहाँ अब फास्ट फूड के खूमचे लगने लगे हैं। प्लास्टिक की चादरों से छाए छप्परों की भीड़ पूरे मैदान को एक बशकल एक रस झोपड़ पट्टी में तब्दील कर देती है। लोक संगीत की जगह कैसेटों से गूंजता अधकचरा फिल्मी संगीत कानों को पिघले शीशे जैसा दुख देता है। दिल तब और भी सहम जाता है जब नौजवानों को लुभाने के लिए पेशेवर जुआरी मेले के एक कोने को कैसीनो में तब्दील करते नजर आते हैं। इस बदले माहौल में ये आशा करना कि जौलजीबी का मेला सार्थक भूमिका निभा सकेगा कठिन है। शौका लोगों की सामाजिक आर्थिक जरूरतें हों या सांस्कृतिक कलात्मक अभिव्यक्ति की ललक, ऐसा नहीं लगता कि जौलजीबी के मेले को अब वह महत्वपूर्ण समझते हैं। एक सरकारी उत्सव है जिसे पर्यटक उद्योग को विकसित करने के नाम पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, महज एक रस्म अदायगी जिसकी खानापूरी जैसे तैसे होनी है। अभी 10-12 साल पहले जब हम लोगों ने इस मेले का फिल्मांकन किया था, तब तक भी इसका आकर्षण जादुई था। जौलजीबी के मेले में खड़े आज एक बात बुरी तरह मन को कचोटती है कि क्या यही है नियति हमारी जनजातीय लोक सांस्कृतिक विरासत की। क्या सरकारी संरक्षण और प्रबंध का अर्थ अनिवार्यतः जनता का खुद अपने मेलों से कटना और विरक्त होना है? ऐसा नहीं है कि शौकाओं की नई पीढ़ी में उत्साह का अभाव है। मेले के बाहर अपने घरों में आज भी फुर्सत के लम्हों में वो मस्ती से झूमते हैं, दिल खोल कर नाचते गाते हैं। Thank you.
मेरे मन।